याद रखो आप मेरी इस बात को कि कोई पार्टी नहीं चाहती कि आप एक सियासी ताकत बन जाए, कोई नहीं चाहते। कौन चाहता है? जो गुलामी करेंगे, जो उनके आंख में आंख नहीं डालेंगे, जो अपने आंखों को झुकाएंगे और हाथ बांधकर गुलामों की तरह कहेंगे हे भाई कुछ नहीं निकलेगा, हम वो गुलामी नहीं करेंगे, ये मुल्क हमारा था है और रहेगा। ना हम मोदी से डरेंगे, ना हम आरएसएस से डरेंगे, ना हम कांग्रेस के बातों में आएंगे। अब 27 साल से आपने भाजपा से मिलकर भाजपा को कामयाब किया, अब क्योंकि एक नई शुरुआत मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन कर रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी और भाजपा को तकलीफ हो चुकी है। मुख्तलिफ तरीकों से वडगाम में हमारा कैंडिडेट, उसको डराया जा रहा है, उसके घर पर लोग जाते हैं। हमारा दलित कैंडिडेट है वडगाम से, कौन डरा रहा है? कांग्रेस पार्टी। क्यों इतना डर रहे हैं भाई आप? जमहूरियत है, इलेक्शन लड़ने दो। अरे हम तो 14 लड़ रहे थे, तुमने एक को खरीद लिया तो 13 बाकी हैं। 182 है ना गुजरात की विधानसभा में, कितने हैं? 182 13 माइनस करो कितने रहते, कितने रहते, कितने? जोर से बोलो, 169 रहते। लड़ो ना 169 पे, हराओ बीजेपी को, पूरे जीत जाओ, सरकार बना लो। मगर उनको 169 की फिक्र नहीं है, उनको ये फिक्र है कि हरा झंडा लेकर जो ये दीवाने बच्चे दौड़ रहे हैं आज जमालपुर में, अगर ये कामयाब हो गए तो हमेशा के लिए उनकी सियासी दुकान जो आपको डरा कर इस्तेसाल करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, खत्म हो जाए। अब वो तुम्हारा डराना, तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन खत्म होगा। अब ये दूसरी पार्टी भी है, एक छोटा रिचार्ज है, हम गारंटी कार्ड दिए। अच्छा जो तुमने कार्ड दिया, ये तो बताओ कि बिल्किस बानो पर, वो पूछो लोगों से बिल्किस बानो पर तुम्हारा दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलता? आप बोलो, बिल्किस बानो पर बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, जोर से बोलो, बोलना चाहिए। वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बिल्किस पे नहीं बोलेंगे, हम स्कूल पे बोलेंगे। अच्छा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोलो, नहीं उस पर भी नहीं बोलेंगे। डिस्टर्ब एरियाज एक्ट पर बोलो, वो अभी नहीं बोलेंगे। तबलीगी जमात पर सबसे पहला इल्जाम लगाने वाला ये दिल्ली का छोटा रिचार्ज, जब तबलीग कोविड चल रहा था तो तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया और बाद में कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। माने दिल्ली में कोविड के लिस्ट आती थी कि इतने लोगों को कोविड हुआ, इतने तबलीगी जमात के लोगों को कोविड हुआ। आज वो आकर बोल रहा है मैंने काट दिया, काट दिया, काट दिया। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, पहचानो आप इन लोगों को। हम आपसे एक ही बात की अपील कर रहे हैं कि आप एक मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दो, एक मरतबा पतंग के निशान पर पूरे एतमाद और भरोसे के साथ और पूरी बेबाकी के साथ आप 5 तारीख को मजलिस को, साबिर भाई को कामयाब करिए इंशाल्लाह। जो काम जमालपुर में नहीं हुआ वो काम साबिर भाई करेंगे।